नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के बिगड़े यातायात को व्यवस्थित करने के लिए नए नए प्रयोग इंदौर नगर निगम के द्वारा किए जा रहे हैं। अब शहर के व्यस्तम चौराहे पर नगर निगम येलो बॉक्स जंक्शन बना रहा है। हाल ही में इंदौर हाईकोर्ट और रीगल तिराहे पर इसे बनाया गया, लेकिन अधिकांश वाहन चालकों को इसका पालन कैसे करें इसकी जानकारी तक नहीं है, इसलिए अभी यातायात विभाग वाहन चालकों को जागरूक करेगा। इंदौर शहर में अत्यधिक यातायात के दबाव वाले चौराहे पर विदेशी की तर्ज पर येलो बॉक्स जंक्शन बनाए जा रहे हैं। इसके पहले दिवस नाका, लेटर चौराहा, नौलखा, इंद्रप्रस्थ चौराहा आदि स्थानों पर जंक्शन बनाए जा चुके हैं, लेकिन वाहन चालकों की उसकी जानकारी नहीं है। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने जानकारी देते हुए बताया कि अब 15 चौराहे पर जंक्शन बनाए जाने हैं। इसमें रीगल तिराहा, हाईकोर्ट और पलासिया चौराहे पर इन्हें बनाया जा चुका है। महू नाका, गंगवाल बस स्टैंड, बापट चौराहा सहित 12 चौराहे पर जल्दी इसका काम शुरू होगा। इसके अलावा चौराहों पर रात में चमकने वाले स्टॉपर भी लगाए जा रहे हैं। ये सूर्य की रोशनी में से चार्ज होंगे और रात में वाहन चालकों को दूर से नजर आएंगे, उससे दुर्घटना रुकेगी और यातायात में सुधार होगा। इंदौर के सौंदर्यीकरण में यातायात भी सुगमता से हो, उसका अपना एक महत्व है। सौंदर्यता के साथ साथ ट्रैफिक नियमों के पालन में येलो बॉक्स में जहाँ स्लो करने की ज़रूरत है या जहाँ जिन बॉक्सेस में गाड़ियाँ हमारी बसें रुकेंगी, प्लस ब्यूटिफिकेशन का ये काम युद्ध स्तर पर चलेगा जो आपको आने वाले दिनों में लगातार दिखेगा। बारिश के समय में ये सब काम करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अब परसों से जब से बारिश रुकी है इन सब कामों को हमने शुरू कर दिया। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।